अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के साथ अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूं। कुछ दिनों पूर्व मेरे पति देव के कान के नीचे की तरफ दर्द होना शुरू हो गया और उसी तरह का दर्द उनके पीठ में भी शुरू हुआ। तो मैंने गोविंद भैया जी से बात की, उन्होंने मुझे सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन की कुछ कलियाँ और दाना मेथी डालकर उस तेल को पकाने को बोला। मैंने वैसा ही किया और उसी वक्त मैंने उनके उस तेल से मालिश करना शुरू किया तो कान के पीछे उनके 5 मिनट में दर्द में आराम मिलना शुरू हो गया और मुझे वापस इस तेल से उनके मालिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वैसा ही दर्द जो उनके पीठ में हुआ था, 1 घंटे बाद मैंने फिर उनके मालिश की और दर्द निवारक लाल तेल भी लगाया तो उनके दर्द में सुबह तक बिल्कुल आराम हो गया और उन्हें वापस वैसा दर्द नहीं हुआ। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी भाई बहनों अपने घर में ये तेल बनाकर ज़रूर रखें। और मैं भी अगर कभी भी मेरे बच्चे के भी किसी तरह की दर्द होता है, सासू माँ भी उसी तेल को इस्तेमाल करती है, उनके भी हाथ में दर्द होता है तो वो तेल लगाते हैं और उनका दर्द गायब हो जाता है। और राजीव भाई दीक्षित जी का जो सपना है कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो हम सभी भाई बहन सीखें, तो उनके उस सपने को साकार करने में उनकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।